हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया, इंडियन फूड प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉफ़ी और चॉकलेट का केक। तो केक बनाने की शुरुआत करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने ये गुनगुना दूध लिया है और नेस्कैफे की ये कॉफ़ी ली है। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी का यूज कर सकते हैं। अब एक चम्मच कॉफ़ी लेकर उसे दूध में मिला लेना है। दूध को मैंने इसलिए गर्म किया था ताकि वो दूध के अंदर अच्छे से कॉफ़ी जो है वो मिल जाए। तो अच्छे से कॉफ़ी को मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कॉफ़ी दूध में अच्छे से मैंने मिला लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें हम एक कप दही डाल देंगे। दही को अच्छे से हमें फेंट लेना है। तो लगातार चलाते हुए अच्छे से दही को फेट करके हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए दही को मैंने अच्छे से फेट लिया है। अब हम इसी में ऐड करेंगे चीनी। आप चाहें तो पाउडर शुगर का भी यूज कर सकते हैं। अब चीनी को भी दही के साथ अच्छे से मिला लेंगे। जब चीनी दही में अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप तेल। तो सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिलाना है ताकि हमारा बैटर जो है एकदम स्मूथ बने, और एक ही डायरेक्शन में लगातार चलाते हुए सभी चीज़ों को हमें मिलाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो अब मैंने एक छन्नी ली है, उसमें हम एक कप मैदा डाल देंगे। इसी में हम डालेंगे एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा, और सभी को हम छान लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर को छान लिया है मैंने। अब लगातार चलाते हुए मिक्सचर को हमें तैयार करना है। अब इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे कॉफ़ी वाला मिक्सचर जो मैंने पहले से तैयार करके रखा है। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डाल करके हमें बैटर को तैयार कर लेना है। तो लगातार चलाते हुए अच्छे से हमें बैटर तैयार करना है। अभी हमारा बैटर जो है गाढ़ा है, तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी हम और डालेंगे और फिर हम उसे लगातार चलाते हुए मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैंने एक कढ़ाई ली है। केक हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें स्टैंड रख दिया है। और मैं इसे ढक रही हूँ कुकर के ढक्कन से। आप चाहे तो किसी भी बड़े बर्तन से ढक सकते हैं। तो इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब फिर से मैं बैटर की तरफ आती हूँ और उसमें मैं एक कप डाल रही हूँ कैडबरी, डेयरी मिल्क की कैडबरी मैंने ली है, वो डाल रही हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है। इस तरीके का हमारा बैटर होना चाहिए। अब मैंने एक केक टिन लिया है और उसके अंदर हम तेल लगा देंगे। आप चाहे तो सूखा मैदा भी छिड़क सकते हैं। तेल को चारों तरफ हाथों से हम फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए चारों तरफ मैंने तेल अच्छे से लगा लिया है। अब इसके अंदर हम बैटर डालेंगे। तो धीरे धीरे करके हम बैटर इसके अंदर डाल देंगे। देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा बना है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। केक टिन को हम अच्छे से टैप कर लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्री हीट होने के लिए रखा था। तो फ्रेंड्स, अब कढ़ाई के अंदर हम केक की टिन को रख देंगे और केक को ढक करके हमें 45 मिनट तक बेक करना है। तो 45 मिनट तक हम केक बेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा केक बना है। बहुत ही फुला फुला केक बना है। अब हम इसे चेक करने के लिए एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक की सहायता से हम अपना केक चेक करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टूथपिक हमारा साफ़ आ गया है, यानी केक हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे निकाल करके बाहर रख लेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। अब केक को मैंने कढ़ाई से निकाल लिया है। अब इसे ठंडा होने के बाद ही हम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब चाकू की सहायता से इसके किनारे हमें अलग करने हैं। तो चारों तरफ घुमा के
चाकू की सहायता से किनारों को हम अलग कर लेंगे ताकि केक निकलने में हमें आसानी हो। तो फ्रेंड्स ये देखिए चारों तरफ से घुमाकर किनारों को मैंने अलग कर लिया है। अब मैंने एक प्लेट लिया है और उस प्लेट में केक को हम पलट करके निकाल लेंगे। तो पहले हम टैप करेंगे और फिर केक हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए केक मैंने निकाल लिया है। अब देखिए मैं इसे दबाकर दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट केक बना है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बना हुआ है। ये कहीं से भी मैं दबा रही हूँ तो बहुत ही सॉफ्ट केक दिखाई दे रहा है हमें। अब हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस कॉफ़ी चॉकलेट केक की रेसिपी को आप ज़रूर इंजॉय करिए और घर पर बनाइए। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बनता है। तो इस केक की रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।